आज का हमारा टॉपिक है कार्बन माइक्रोफोन। कार्बन माइक्रोफोन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग और उसकी करेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल क्या है, व्हेन फाइन कार्बन ग्रेन्यूल्स एनक्लोज इन अ केस आर सब्जेक्टेड टू वेरिएशंस ऑफ साउंड प्रेशर द रेसिस्टेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स चेंजेस। मतलब एक केस है जिसके अंदर कार्बन के सूक्ष्म कण को बंद किया गया है, यदि उस कार्बन के सूक्ष्म कणों को एक केस में बंद कर दिया जाए और उसके बाद उस पर दाब परिवर्तन किया जाए, ध्वनि दाब परिवर्तन किया जाए, सब्जेक्टेड टू वेरिएशन ऑफ साउंड प्रेशर, ध्वनि के दाब परिवर्तन को अप्लाई किया जाए, तो होगा क्या कि उस कार्बन के सूक्ष्म कणों का जो प्रतिरोध है वो परिवर्तित हो जाता है, द रेसिस्टेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स चेंजेज। अब यदि उस रेसिस्टेंस को हम देख रहे हैं कि वो साउंड प्रेशर से चेंज हो रहा है, और यदि इस टाइप की डिवाइस में हम कार्बन ग्रेन्यूल्स की जो डिवाइस है एक तरह से उस पर साउंड प्रेशर पुट करने से रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं किसी सर्किट में कनेक्ट करके उसको बैटरी यदि लगा दी जाए कार्बन ग्रेन्यूल्स और लोड को सीरीज में लेकर बैटरी लगा दी जाए, तो क्या होगा उसमें करंट भी फ्लो होगी और वो करंट चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू द साउंड प्रेशर। तो एक तरह से हम क्या कह रहे हैं, साउंड प्रेशर जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे उस डिवाइस जिसमें कि बैटरी होगी, कार्बन ग्रेन्यूल्स मतलब एक कार्बन माइक्रोफोन होगा और एक लोड होगा, तो लोड पर जो आउटपुट करंट आएगी वो वेरी करेगी एज पर साउंड प्रेशर। तो एक तरह से इनपुट जो है कार्बन माइक्रोफोन का साउंड है और आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल करंट है। तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल भी माइक्रोफोन का है। तो इसमें हमने कार्बन माइक्रोफोन में क्या किया है, कार्बन ग्रेन्यूल्स को एक केस में बंद किया है और उस पर साउंड प्रेशर का वेरिएशन अप्लाई किया है, उससे कार्बन ग्रेन्यूल्स का रेसिस्टेंस चेंज होता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो व्हेन सच डिवाइस ऑफ कार्बन ग्रेन्यूल्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए लोड थ्रू ए डीसी सप्लाई, एक बैटरी के थ्रू अप्लाई कनेक्ट किया जाता है सीरीज में कार्बन ग्रेन्यूल्स और लोड को, द करंट थ्रू द लोड विल वेरी इन अकॉर्डेंस विद प्रेशर वेरिएशंस ऑन द कार्बन ग्रेन्यूल्स। मतलब कार्बन ग्रेन्यूल्स पर जो हमने साउंड का प्रेशर अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग करंट जो फ्लो होगी लोड में वो वेरी करेगी। कंस्ट्रक्शन के लिए देखें तो ये एक इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें कंस्ट्रक्शन में जो है इस डायग्राम के अंदर कार्बन माइक्रोफोन में दिखाया कि कार्बन के ग्रेन्यूल्स को दो धातु की प्लेटों के मध्य जो है बंद किया गया है। ये जो आपकी कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं इसमें डायग्राम में बताया गया है कि फाइन कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं, ये जो है दो मेटल प्लेट्स के बीच में बंद किया गया है, उनमें से एक मेटल प्लेट जो है वो फिक्स होती है और एक मूवेबल होती है। तो इसमें क्या है कि एक ऊपर की प्लेट है वो मूवेबल मेटल डायफ्राम से अटैच की गई है और दूसरी जो नीचे वाली प्लेट है वो मेटल की है, वो फिक्स है और ये इंसुलेटेड रहती है इंसुलेटर के द्वारा, इंसुलेटेड जो रहेगी डायफ्राम से इंसुलेटेड रहती है जो निचले वाली प्लेट है, और इसमें एक प्रोटेक्टिव कवर भी अप्लाई होता है और ये स्प्रिंग के थ्रू जो है मेटल डायफ्राम ऊपर वाला मूवेबल होता है। बाकी ये किस तरह से काम करता है ये वर्किंग में देखेंगे। फिलहाल में हमें ये दिखाया कि कंस्ट्रक्शन के अंदर एक तो फाइन कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं दो मेटल प्लेट के बीच में एनक्लोज किए गए हैं, एक मेटल प्लेट फिक्स है, एक मूवेबल है, और साउंड प्रेशर ऊपर से अप्लाई किया जाता है जिससे वो ऊपर वाली प्लेट मूव करती है जिससे कार्बन ग्रेन्यूल्स प्रेस होते हैं और आगे इस कार्बन ग्रेन्यूल्स के केस को एक बैटरी अप्लाई की गई है, लोड ट्रांसफार्मर पर लिया गया है आउटपुट, तो ये बैटरी के साथ एक तरह से कार्बन ग्रेन्यूल्स और लोड जो है सीरीज में है। तो यही हमारी कंस्ट्रक्शन है, यही बेसिक प्रिंसिपल भी कहता है, और इस कंस्ट्रक्शन को आप एक तरह से देख सकते हैं साउंड वेव से इनपुट में और आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू साउंड वेव्स यहाँ पर आता है, आउटपुट ट्रांसफार्मर पर ले रहे हैं, एक मेटल प्लेट फिक्स प्लेट ये है, ऊपर वाली प्लेट मेटल पोजीशन वॉशर मेटल डायफ्राम है, मूवेबल मेटल प्लेट है डायफ्राम, ये मेटल केस है, इंसुलेटर के थ्रू जो है डायफ्राम से नीचे वाली प्लेट इंसुलेटेड रहती है। तो ये कंस्ट्रक्शन में कह सकते हैं कि कार्बन के सूक्ष्म कणों को दो धातु की प्लेटों के मध्य बंद किया जाता है, ये हमने बताया था अभी डायग्राम में भी, ऊपर की प्लेट को एक चल धातु डायफ्राम मूवेबल मेटल डायफ्राम से अटैच किया जाता है और निचली मेटल प्लेट फिक्स रहती है, स्थिर रहती है, वो डायफ्राम से इंसुलेटेड रहती है। प्रोटेक्टिव कवर जो है हमने यूनिट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदान किया है, छिद्रों वाला सुरक्षात्मक कवर जो है प्रयोग करके इस यूनिट को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि वेन बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन मेटल प्लेट्स एंड लोड देन लोड इज कनेक्टेड देन वेरिंग करंट थ्रू द लोड गिव्स सिग्नल आउटपुट, मतलब आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा यदि आप बैटरी कनेक्ट कर देते हैं मेटल प्लेट के बीच में और जो है एक लोड भी कनेक्ट कर देते हैं, तो सीरीज में करंट फ्लो होगी, तो जो करंट होगी वो वेरी करेगी एज पर द साउंड प्रेशर। फाइनली जो आउटपुट है वो ट्रांसफॉर्मर ले जाती है। ट्रांसफॉर्मर से लेने का कारण यह है कि माइक्रोफोन का यदि कोई डीसी कंपोनेंट है वो आउटपुट में ना आए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर डीसी पर काम नहीं करता है, ना ही उसका आउटपुट में डीसी आती है। नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। वर्किंग जो है बेसिकली हमारे हमने भी देखी कि साउंड प्रेशर को चेंज करने से कैसे कार्बन ग्रेनुल्स का रेजिस्टेंस चेंज करेगा और रेजिस्टेंस चेंज करने से करंट वेरी करेगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज करता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, जो रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ए एरिया ऑफ द कंडक्टर है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है हिंदी में कहें तो यदि हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो आर इंक्रीज करेगा और एल लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो आर डिक्रीज करेगा, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। एक्चुअली हम यदि डायग्राम में देखें तो यदि हम साउंड प्रेशर को वेरी कर रहे हैं तो साउंड प्रेशर यदि बढ़ाते हैं तो कार्बन ग्रेन्यूल्स जो है प्रेस होंगे और वो कंप्रेशन उसमें एक तरह से साउंड जो है उसके द्वारा एयर जो है वो प्रेस हो रही है, तो कंप्रेशन हो रहा है, ऐसे यहाँ पे कंप्रेस होके जो है आपके कार्बन ग्रेन्यूल्स पास पास आ रहे हैं, प्रेस हो रहे हैं, तो इससे लेंथ क्या हो जा रही है मेटल प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जा रही है। लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, इसके जस्ट अपोजिट रेयरफैक्शन मतलब रिडलर में होगा। तो इसे देख सकते हैं कि जब ध्वनि तरंगे डायफ्राम पर्दे या झिल्ली डायफ्राम पर स्ट्राइक चोट करती हैं तो वह डायफ्राम को आगे पीछे मूवमेंट करता है, तो जो डायफ्राम है वो आगे पीछे मूवमेंट तब करता है जब उस पर साउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं, चोट करती हैं, तो एक यदि आगे पीछे होता है तो एक तरह से कंप्रेस और एयर फ्रैक्शन का केस है, एयर फ्रैक्शन संपीड़न और विडलन। तो यदि साउंड की प्रेजेंस की बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ साउंड मतलब ध्वनि की उपस्थिति में या तो कंप्रेशन होगा या संपीड़न, ये तो कंप्रेशन होगा या एयर फ्रैक्शन होगा। तो यदि कंप्रेशन होता है तो मतलब कार्बन ग्रेन्यूल्स प्रेस हो रहे हैं तो लेंथ जो है डिक्रीज कर रही है, तो आर जो है डिक्रीज करेगा क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है, और यदि आर डिक्रीज करेगा और कांस्टेंट वोल्टेज के लिए आई बराबर वी अपॉन आर के हिसाब से हम देख सकते हैं कि आई जो है इंक्रीज करेगा, इसके जस्ट अपोजिट रेयरफैक्शन में होगा, कार्बन ग्रेन्यूल्स लूज करेंगे और लेंथ इंक्रीज करेगी, मेटल प्लेट की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, आर इंक्रीज करेगा क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है और आई जो है वी अपॉन आर के बराबर होता है, आर चूँकि इंक्रीज कर रहा है इसलिए आई डिक्रीज करेगा। तो ये हम देख सकते हैं कि जो वर्किंग है वो रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज हो रहा है कार्बन ग्रेन्यूल्स का, इस पर डिपेंड कर रही है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि यदि साउंड है नहीं, इन एब्सेंस ऑफ साउंड होगा क्या, साउंड एब्सेंस मतलब स्टेडी करंट फ्लो करेगी, कांस्टेंट करंट फ्लो करती है इन एब्सेंस ऑफ साउंड, ध्वनि तरंगे की एब्सेंट में जो है वो एक कांस्टेंट करंट फ्लो होती रहेगी, वो कांस्टेंट करंट जो नॉर्मल करंट उसमें थी जो कि परिपथ की करंट है नियत धारा फ्लो होती रहेगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि साउंड की वजह से हुआ क्या कि पहले से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही थी वो डीसी करंट थी, उसके ऊपर नीचे एक करंट मतलब सुपर इम्पोज हो गई, एक तरह से समझ लीजिए कि करंट का वेरिएशन जो है एसी करंट इम्पोज ऑन डीसी इस तरह से हो गया। तो अतः ध्वनि तरंगे कह सकते हैं कि फिक्स्ड डीसी करंट के ऊपर एक परिवर्तित धारा मतलब अल्टरनेटिव करंट या वेरिंग करंट या ऑडियो करंट भी कह सकते हैं कि ऑडियो सिग्नल की वजह से आ रही है, ऑडियो करंट को अध्यारोपित सुपर इम्पोज करती है। डायग्राम में देख सकते हैं कि एक डीसी करंट है इन एब्सेंस ऑफ साउंड, उसके ऊपर एक एसी करंट सुपर इम्पोज हो गई है। तो यह परिवर्तित धारा हमने कहा लिया ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल पर प्राप्त कर ली है, द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त की जाती है। अब इस वर्किंग में थोड़ा सा मैथमेटिकली देखेंगे किस तरह से करंट का वेरिएशन रेजिस्टेंस के वेरिएशन से रिलेटेड है। तो एक छोटा सा एक जो है डेरिवेशन देखेंगे, कार्बन ग्रेन्यूल्स का मान लो कुल प्रतिरोध आर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर नॉट प्लस डेल आर है, जहां स्मॉल आर क्या है टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, आर नॉट स्टेडी रेजिस्टेंस है जब साउंड नहीं है इन एब्सेंस ऑफ साउंड, डेल आर क्या है चेंज इन रेजिस्टेंस है ड्यू टू साउंड वेव्स प्रेशर, मतलब साउंड के जो वेव्स हैं उनका प्रेशर यदि चेंज होता है तो उसमें रेजिस्टेंस की में चेंज हो रहा है, उसे मान लीजिए हमने डेल आर है, आर नॉट तब था जब रेजिस्टेंस फिक्स है वो साउंड नहीं है उस केस में है, और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी वो स्मॉल आर आएगी टोटल रेजिस्टेंस, डेल आर की वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब जो चेंज है वो नेगेटिव होगा कंप्रेशन के लिए भी हमने देखा रेजिस्टेंस घट जाएगा, पॉजिटिव होगी रेयरफैक्शन के लिए जो हमने देखा था अभी कि रेयरफैक्शन के लिए जो इस रेजिस्टेंस से बढ़ जाएगा।
यदि वी वोल्ट की मैट्रिक अप्लाई की है तो आई बराबर वी अपॉन आर एल प्लस आर, आर क्या है लोड रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर जो है ग्रेनुलर का रेजिस्टेंस टोटल, स्मॉल आर की वैल्यू पुट करेंगे आर नॉट प्लस डेल आर प्लस आर एल, आर और आर एल जो है दोनों सीरीज में है इसलिए जो है इस तरह से ऐड हुआ है। अब यदि स्मॉल आर नॉट प्लस आर एल को कैपिटल आर मान लिया जाए तो आई की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन डेल आर प्लस कैपिटल आर, वी इक्वल टू आर, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे आर कॉमन लिया वन प्लस डेल आर अपॉन आर बन गया, आई इक्वल टू वी अपॉन कैपिटल आर इंटू वन अपॉन वन प्लस डेल आर अपॉन आर, या ये कह सकते हैं वी अपॉन आर इंटू वन प्लस डेल आर अपॉन आर के बार माइनस वन, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे बायनोमियल एक्सप्रेशन से और इसमें डेल आर अपॉन आर की वैल्यू बहुत कम यदि है होती भी है वन से बहुत कम होती है तो ये वन माइनस एक्स बन जाता है, वन प्लस एक्स पर माइनस वन इक्वल टू वन माइनस एक्स अप्रोक्सीमेटली फोर एक्स वेरी वेरी मच लेस देन वेरी मच लेस देन वन, तो एक तरह से कह सकते हैं आई इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू वन माइनस डेल आर अपॉन आर वेयर डेल आर अपॉन आर इज वेरी वेरी मच देन वन, मतलब नेगलेक्ट हायर पावर्स ऑफ डेल आर अपॉन आर, इसको बायनोमियल एक्सप्रेशन से निकाला गया है। तो वी अपॉन नॉर्मल फॉर्मूला होता है वन प्लस एक्स पावर माइनस वन इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली वन माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन देन वन, तो एक तरह से कह सकते हैं आई इक्वल टू आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वल टू, यदि हम इसमें देखें कि वी अपॉन आर की वैल्यू आई डी सी पुट करें इन एब्सेंस ऑफ साउंड, मतलब जब साउंड नहीं है उस केस में वी अपॉन आर क्या रहेगा आई डी सी के इक्वल रहेगा, तो वी अपॉन आर की वैल्यू आई डी सी पुट करेंगे तो आई इक्वल टू आई डी सी इंटू वन माइनस डेल आर अपॉन आर आ जाएगा, तो आई इक्वल टू आई डी सी इंटू वन माइनस डेल आर अपॉन आर, या फिर इसे थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू आई डी सी माइनस आई डी सी इंटू डेल आर, आई डी सी इंटू डेल आर अपॉन आर डेल आर है तो आई डी सी माइनस आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई डी सी इंटू डेल आर अपॉन आर, तो डेल आई की वैल्यू जो है आई डी सी इंटू डेल आर अपॉन आर है, जहाँ डी एल क्या है चेंज इन करंट है, डेल आई सी आई डी सी माइनस आई, तो हमने इसे चेंज इन करंट और चेंज इन रेजिस्टेंस को रिलेट किया है। अब दूसरा दो चीज़ें हैं इसमें वर्किंग के बाद जो है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एप्लीकेशन से, कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताया कार्बन माइक्रोफोन की कौन कौन सी होती है, माइक्रोफोन की कैरेक्टरिस्टिक है उन्हीं में वैल्यू बताएंगे कितनी कितनी आती है। फर्स्ट है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी की हाई होती है 20 डीबी बिलो 1 वोल्ट होती है लगभग, बाकी माइक्रोफोन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, काफ़ी उच्च होती है, अच्छी चीज़ है होनी भी चाहिए, गुड सेंसिटिविटी है क्योंकि हाई सेंसिटिविटी हम गुड सेंसिटिविटी मानते हैं। सेकंड है एसएनआर, एसएनआर जो है हाई होना चाहिए, इसके अंदर एसएनआर ख़राब होता है बाकी क्योंकि इसमें जो है रेंडम वेरिएशन होते हैं प्रतिरोध में, जो रेंडम वेरिएशन हो रहे हैं उनकी वजह से हिस उत्पन्न होता है नॉइज़ उत्पन्न होता है, तो एसएनआर जो है इसका ख़राब होता है। थर्ड है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है 200 हर्ट्ज से 5 किलो हर्ट्ज के बीच में प्लस माइनस 1% के मध्य रहता है, तो ये जो है कार्बन माइक्रोफोन की आवर्ती अनुक्रिया मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 200 हर्ट्ज से 5 किलो हर्ट्ज के मध्य ही प्लस माइनस 1% होती है, और 2 किलो हर्ट्ज पर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नेचुरल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी ये जो कार्बन माइक्रोफोन है वो हाई फाइडेलिटी कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। फोर्थ है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन जो है इसमें डिस्टॉर्शन इसमें हाई रहता है लगभग 10% रहता है। डिस्टॉर्शन का कारण ये है कि कार्बन माइक्रोफोन में जो कार्बन के चूर्ण के एक दूसरे से चिपका होने का कारण होता है, चिपकने से जो है इसमें डिस्टॉर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। नंबर फिफ्थ है डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिविटी देखें तो ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न्स का होता है, मतलब सभी दिशाओं से आने वाली साउंड के लिए सेम आउटपुट प्रोवाइड करता है यदि इनपुट की जो है साउंड प्रेशर लेवल सेम हो। सिक्स वन है आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस जो है इसकी 100 से 150 ओम के बीच में होती है, और एप्लीकेशन देखा तो इसकी टेलीफोन में और स्मॉल रेडियो सेट्स में जो है इसकी एप्लीकेशन होती है। थैंक यू।